सामान्य तौर पर जब भी इस तरह के पवित्र मौके हों तो ये किसी भी प्रशासन का नैतिक दायित्व है कि उसके इंतजाम अच्छे ढंग से किए जाएं, और इसमें कोई मैं समझता हूँ कि जो नहीं करेगा वो पाप का भागी होगा, चाहे कोई भी त्यौहार हो, धार्मिक इस्लाम का हो, हिंदुओं का हो या सिखों का हो, किसी धर्म का। मुझे लगता है ये हमारे देश की और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर की परंपरा रही, पीछे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इंतजाम के सिलसिले में चर्चा हुई और सब लोग अपने अपने ढंग से अपने काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी चेयरमैन साहिबा ने जो बात कही है ये ठीक है कि जो मूल धारा यहाँ की रही है वो अमन और शांति की रही है, भाईचारे की रही है। काल कारणवश कभी कभी परिस्थितियाँ मुझे लगता है कि ऐसी हो जाती हैं, उसमें विकृतियाँ आती हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि समाज के हर वर्ग में चाहत है कि फिर से वो अमन चैन और शांति, और इसको मुझे लगता है कि सबको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि विकास की बुनियादी शर्त शांति है। जिस इलाके में शांति नहीं होगी वहाँ विकास नहीं हो सकता। अब हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो दहशतगर्दी के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करते हैं, मुझे लगता है कि उससे अब आवाम बाहर निकलना चाहती है और काफ़ी लोग निकल गए। बहुत छोटे तबके या मैं कहूँगी कम संख्या में लोग हैं जो अभी भी चीज़ों को चाहते हैं कि चीज़ें ठीक ना हो, इसमें किसी का लाभ नहीं होगा। और वास्तव में हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही उस परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए ये केवल प्रशासन कर नहीं सकता है, आप सब चाहेंगे तो जरूर हो जाए। प्रशासन उसमें एक सहायक की भूमिका या कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में आप सब हम लोगों का सहयोग करिए। अगर मैं कहूँ कि हजरत मोहम्मद साहब की भी बात मैं करूँ तो उन्होंने भी इंसान और आवाम की सोच में बदलाव लाने की बात बराबर कही है, और एक हदीस में कहा भी गया है कि आगाह कि इंसान के शरीर में मांस का एक टुकड़ा है, अगर वह स्वस्थ हो तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और अगर बिगड़ जाए तो सारा शरीर बिगड़ जाता है। मुझे लगता है कि हृदय और शरीर का वर्णन ये उपमा के तौर पर किया गया है, और धार्मिक जीवन की स्थापना और अस्थायित्व इसी पर निर्भर करता है कि जिंदा ईमान है कि नहीं है किसी भी समाज। मैं समझता हूँ ईमान है तो सब कुछ किया जा सकता है। चेयरमैन साहिबा ने बहुत सारे मसले उठा दिए, वक्त नहीं है कि उन मसलों पर चर्चा की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी जियारते हैं या ऐसे हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वो फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सकें, उसके लिए पैसे की कमी नहीं होगी। उसमें जो कुछ भी करना है प्रशासन करेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रुचि ली है जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, और आज संतोष इस बात का है कि अब कई सारी चीज़ों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। ये और बेहतर हो यह आवश्यक है। आप में से किसी को भी कभी कुछ लगे कि अगर हम लोगों का रास्ता ठीक नहीं है तो मैं आपको दावत देता हूँ, आप कहिए, ये हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर ज़रूरत होगी करेक्शन की तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि कोई सब कुछ नहीं जानता है, कोई पूर्णांक नहीं, सबको जीवन भर सीखना है। और कभी कभी मैंने देखा है कि बड़ा सामान्य व्यक्ति ऐसी सलाह दे देता है कि उसकी सलाह मान लेने के बाद बड़ा परिणाम दिखाई पड़ता है। तो आप सब लोग धार्मिक रूप से पूरे समाज को नेतृत्व देते हैं, और मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन होगा कि जब भी आपको लगे आप हमारे यहाँ आ भी सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, जब आप चाहेंगे मैं आ सकता हूँ। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके फिर से यहाँ शांति स्थापित हो, जो गौरव इस जम्मू कश्मीर का रहा है वो पुनर्स्थापित हो, और विकास के मानदंड नए कीर्तिमान हम स्थापित करें, ये बड़ा आवश्यक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी इतनी प्रसिद्ध जगहें हैं लेकिन धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बाहर से कम लोग आते हैं,
इस पर क्या किया जा सकता है। जैसे श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ भी मैं मानता हूँ कि हजरत बल है या चरारे शरीफ है या अनेक ऐसी जियारतें हैं, देश के दूसरे हिस्से के लोग भी यहाँ आवें, इस दिशा में हमें प्रयास करने की जरूरत है, लोग आवें, देखें, जाएं और इसमें क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, इस पर आप सब लोगों से मैं विनती करूँगा कि आप लोग एक विचार करिए और फिर मिल करके उस पर काम किया जाए। आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप सबने मुझे आप अपने बीच दो शब्द कहने का अवसर दिया। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया करता हूँ और अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे ताकि अमन, चैन, शांति और विकास के और संपन्नता जम्मू कश्मीर में आवे। धन्यवाद।